मनीषा जी, मैं शांतनु के नाम से भी एक बार आपको इनवाइट करती हूँ। मनीषा गोरटकर, ओके। तो मनीषा जी, आपको मैंने ना को होस्ट बना दिया है। आपको खुद को सेल्फ म्यूट अनम्यूट करने का ऑप्शन आपके पास है, ठीक है ना? हाँ, तो ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू एंड मैम, फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट। एंड फ्रेंड्स, हम हर दिन सेशन की जो शुरुआत है पॉजिटिव अफर्मेशंस ग्रेटिट्यूड के साथ करते हैं। तो वेलकम टू ऑल, आपके मॉर्निंग के सेशन में आप सबका स्वागत है। एंड सबसे पहले अपने परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करना है, एंड सबको ग्रेटिट्यूड करना है, थैंक यू कहना, शुक्रियाना से हमारी दिन की शुरुआत करनी है। क्योंकि अगर आप मॉर्निंग में उठते से ही हमारी आदत होती है कि लेट हो गया, लेट हो गया, जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी करो, जल्दी करो, अगर आप मॉर्निंग में उठते से ये चीजें करोगे तो आपकी दिन भर आपका जो शेड्यूल है इसी तरीके से रहेगा कि जल्दी करो, जल्दी करो, देर हो रही है, देर हो रही है। तो आपको सुबह उठते से ही सब आपको रिलैक्स होकर आपको सिर्फ एक ही चीज करना है, शुक्रियाना, धन्यवाद करना है, प्रभु का धन्यवाद करना है, एंड सारे यूनिवर्स को धन्यवाद करना है, एंड सभी को आपकी जो सक्सेस में, आपकी सफलता में जो आपका साथ दे रहे, सबका धन्यवाद करते हुए दिन की शुरुआत करना है। क्योंकि जैसे ही हम सुबह है, पहले हम कहते हैं ना कि आज किसका चेहरा देख लिया मैंने सुबह, ऐसा हम कहते हैं ना। तो जैसे आप उठते से ही जो चीजें आप करते हो, दिन भर उसी एटीट्यूड के साथ आप काम करते हो, तो यहाँ पर सफल होने के लिए हमारी आदतों में बदलाव लाना, हमारे स्वभाव में बदलाव लाना, हमारी सोच में बदलाव लाना, ये सब बातों का बहुत जरूरी होता है। तो जब इंसान अपने आप को, खुद को चेंज करता है तो वो सभी को चेंज कर पाता है, लेकिन अगर उसने खुद को चेंज नहीं किया है तो वो किसी को चेंज नहीं कर पाता है। अगर हम एक घर के वाइब्रेशन को देखते हैं तो वहां पे घर में अगर एक इंसान अपने वाइब्रेशन को चेंज कर लेता है तो उसके साथ साथ पूरे घर का वाइब्रेशन चेंज हो जाता है। हमें सबको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप ये करके देखिए, आपको इसका खुद को आप फील कर पाओगे, खुद इस चीज को समझ पाओगे। तो फ्रेंड्स, सबको शुक्रिया करने के बाद हमें अपने माता पिता को भी धन्यवाद करना है जिन्होंने आपको इस दुनिया में लाया है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी आंखों को बंद करके 30 सेकेंड के लिए आपकी सक्सेस को विजुअलाइज करिए कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या देखना चाहते हो। आपको ये कहना है कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसा आप बन जाते हो, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है, संकल्प से सृष्टि बनती है। इन चीजों का ध्यान देना, क्योंकि संकल्प में बहुत बड़ी ताकत होती है। अगर आपने अच्छा संकल्प लिया है तो आपको यही संकल्प आपको बहुत आगे लेकर जाता है। कभी भी आपको सबको दुआएं देनी है। लोग कहते हैं ना कि अरे ये कैसे हो गया, इसको किसकी नजर लगे, नजर वजर कुछ नहीं लगती है। अगर किसी ने, चार लोगों ने आपके लिए गलत भी सोचा है तो 100 लोग आपको दुआएं दे रहे हैं। तो आपके सराउंडिंग में जो है ना, पॉजिटिव वाइब्रेशन यानी दुआओं का एक सुरक्षा कवच आपके पास बन चुका है। तो 4 लोगों की नेगेटिविटी उस कवच को पार करके आप तक नहीं पहुंच सकती है। तो अपनी सोच का एक सुरक्षा कवच अपने सराउंडिंग में हमें बनाना है। तो फ्रेंड्स, अपनी आंखों को बंद करिए, इन सारी चीजों के साथ अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करिए। तो लेट वी स्टार्ट फ्रेंड्स। सबका शुक्रिया करते हुए धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो अब हम अपने सेशन को आगे लेकर जाते हैं। आज एक ऐसी डायनेमिक पर्सनालिटी हमारे बीच आने जा रही है जो आज तक उन्होंने जूम मीटिंग में सेशन नहीं लिया है, लेकिन कल ही हाँ, उन्होंने मुझे कॉल करके कहा कि मैम मुझे एक सेशन लेना है। तो मुझे बहुत खुशी हुई है। वो कोई और नहीं है बल्कि मनीषा गोरटकर जी, जो नांदेड़ से बिलोंग करते हैं और ब्रांच डायरेक्टर लेवल पर है, और वो बहुत ही हार्डवर्क करते हैं एंड बहुत अच्छे से सारी चीजों को, शुरुआत से ही मैंने देखा है कि जब वो ज्वाइन हुए थे तभी से वो स्टडी करने में बहुत ज्यादा फोकस करते हैं।
तो मनीषा जी का स्वागत हम एक जोरदार तालियों से करते हैं. तो वेलकम मनीषा जी एंड ओवर टू यू एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू मैम. थैंक यू. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. अच्छा उनका टॉपिक जो है जॉइंट्स एंड बोन्स हेल्थ कैटेगरी पे हमें वो नॉलेज देने वाले हैं. तो मनीषा जी ओवर टू यू. थैंक यू मैम. गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स. मेरा ये पहला सेशन है तो आप मेरे फीलिंग्स समझ ही सकते हैं. मैं जॉइंट्स एंड बोन्स के ऊपर जितने भी थोड़ी सी जानकारी मेरे पास है वो आपसे शेयर करने वाली हूँ. जॉइंट्स एंड बोन्स मतलब हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम, ये तो हमें पता ही है. ये प्रॉब्लम अब कॉमन हो चुकी है. सबके घर में एक दो पेशेंट है इसके. जॉइंट्स बोन के प्रॉब्लम में हड्डियों में सूजन आना, चलने फिरने में मुश्किल होना, स्वेलिंग होता है ज्यादा, ये उसके सिम्टम्स है. हमें लगता है कि 60-65 के एज के बाद हर एक को ये प्रॉब्लम होती है. तो हमें लगता है हाँ अभी तो प्रॉब्लम नहीं है तो कोई सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है, जब प्रॉब्लम होगी तो देख लेंगे. लेकिन ऐसा नहीं है. जॉइंट्स और बोन्स का प्रॉब्लम 60-65 की एज के बाद नहीं होता, 30-35 की एज के बाद हमें ये ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है हमारे बोन्स के लिए, बॉडी के लिए. हमारा लाइफस्टाइल ऐसा रहता है और हमारा डाइट भी ऐसा रहते है कि उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें लाइफ में आते हैं. हड्डियों के बारे में और हड्डियों के हेल्थ के बारे में हम आज जानकारी लेंगे थोड़ी. हड्डियों का प्रॉब्लम मीन्स आर्थराइटिस की बीमारी. हमें पता है हड्डियों का प्रॉब्लम शुरू हो गया, हम ऐसे नॉर्मली बोल देते हैं कि हाँ विटामिन डी की कमी है इसलिए वो होता होगा. विटामिन डी की तो कमी होती है. विटामिन डी पहले से नेचुरली हमारे हमारे ब्लड में और हमारे हड्डियों में होता ही है, लेकिन एज जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हम बोलते हैं कि वो विटामिन डी कम होता है हमारे बॉडी से. विटामिन डी कम से कम 13-15 की मात्रा में हमारे बॉडी में रहता है, तो हम कभी ज्यादातर उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते, वो चेक भी नहीं करते. एज भी चेक करते, हीमोग्लोबिन चेक करते, लेकिन कभी विटामिन डी चेक नहीं करते कितना है. और अभी से ये कम है तो इस पे कुछ शुरुआत करते हैं, काम करते हैं कि इसकी डेफिशिएंसी ना हो. ये हम कभी ध्यान नहीं देते. और ज्यादातर लेडीज, लेडीज में तो होता ही है, क्योंकि विटामिन डी की कमी हमें शुरुआत से होती है, जब से 14-15 साल से शुरू होती है लेडीज में ज्यादा. तो मेंस्ट्रुएशन पीरियड के साइकिल के टाइम पे भी जो हमें पेन होता है वो भी विटामिन डी की कमी से ही होता है. विटामिन डी आजकल ज्यादातर छोटे बच्चों में भी उसकी डेफिशिएंसी देखी जाती है. क्यों? पहले के लोगों में नहीं थी, पहले के लोग 60-70 साल के बाद उन्हें ये प्रॉब्लम शुरू होते थे. लेकिन आज क्यों है तो हमें विटामिन डी नहीं मिल रहा. कहाँ से मिलता है नेचुरल विटामिन डी? हमें सबको पता है सूरज की धूप में, सवेरे की धूप में जो हम वो लेते हैं तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी कम होती है. लेकिन आज धूप नहीं मिल रही, कारण ज्यादातर तो लोग सिटी में सेटल हो जा रहे हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, इसकी वजह से धूप नहीं मिल पा रही. पहले के लोग कैसे थे, पुराने जमाने में जब न्यू बॉर्न बेबी थे उनको भी आंगन में खाट डाल के उसके ऊपर बच्चों को बैठाते थे, नहीं तो सुलाते थे, क्योंकि उनको विटामिन डी मिले. लेकिन आजकल ज्यादातर हमारे जो समाज में है एसी का रूम ज्यादा यूज करते हैं, ज्यादा उसका ये हुआ है, क्योंकि वो एक बड़े लोगों की जैसे हम बिहेव कर रहे हैं कि हाँ चलो नहीं हमारे घर में एसी है वो है. लेकिन जितनी फैसिलिटीज आपको मिलती है उतना ही परेशानियां भी बढ़ती जा रही है. बच्चे कंफर्ट जोन में है, हम भी कंफर्ट जोन में है, ज्यादातर कंफर्ट जोन में है. क्यों? घर में एसी के ही घर में रूम में रहते, गाड़ी में एसी रहती है. पहले हम जब छोटे थे तो स्कूल में पैदल जाते थे, दूर दूर स्कूल होते थे तो भी जाते समय धूप लगती थी, आते समय धूप लगती थी, तो नेचुरली हमें विटामिन डी मिल जाता था. ऐसे खास कर से लेना नहीं पड़ता था, बैठना नहीं पड़ता था धूप में. आज तो बच्चों के लिए वैन भी है, घर से निकलो और घर तक आ जाओ, चलना फिरना घूमना कुछ नहीं,
तो लोग बोलते हैं घूमने के लिए निकलना पड़ता है, स्पेशली सवेरे जाते हैं लोग घूमने के लिए, थोड़ा जितना मैं बोल रही हूँ कंफर्ट जोन से, कंफर्ट जोन की वजह से परेशानियां भी बढ़ रही है, ज्यादा परेशानियां बढ़ रही है। पहले धूप में छोटे बच्चों को भी सुलाया करते थे क्योंकि उनको भी विटामिन डी की कमी ना हो, बचपन से वो सब मिलता था। अब मदर फादर भी जॉब पे जाते हैं, सवेरे जाते हैं शाम को आते हैं, बच्चे अकेले घर में रहते हैं उनके दादा दादी के साथ किसी के साथ, और आने के बाद घुमाने को ले जा रहे लोग, आज का फैशन हो गया पार्क में ले जा रहे, तो पार्क में खेल सकते हैं वो, लेकिन उस टाइम पे धूप नहीं मिल सकती, विटामिन डी नहीं मिल सकता। इसी कारण ऐसे कुछ कुछ कारण है हमारा खाने का डाइट, पहले ओरिजिनल दूध मिलता था, अब दूध में भी मिलावट है, आप कैल्शियम नहीं ले सकते ओरिजिनल। हाँ आपको लगता है मैं दूध पी रही हूँ, लेकिन वो दूध ही ओरिजिनल नहीं है ना, पहले घर में गाय भैंस रहते थे तो ओरिजिनल दूध मिलता था, उससे कैल्शियम मिलता था, कैल्शियम विटामिन डी हमें सब ऊपर से लेना पड़ रहा है, नेचुरल तो है ही नहीं ज्यादातर शरीर में। आर्थराइटिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, जो ज्यादा हमारे घर में भी जो भी पेशेंट रहते हैं उनमें हम देखते हैं, जब वो सवेरे उठते हैं उन्हें उठने में तकलीफ होती है, जॉइंट्स के अंदर सूजन आती है, और जो भी पार्ट उनका पेन करता है जो जॉइंट्स, तो उस पे हाथ लगा के देखे उसमें हीट होती है, थोड़ा गर्म होते हैं वो, और उसके ऊपर रेडनेस भी रहता है, जो ज्यादा सीवियर जिनका पेन रहता है उनके मैंने देखे उनके जॉइंट्स के ऊपर जो भी वहां जहां दर्द हो रहा है उनको वहां रेडनेस रहता है, क्योंकि वो ज्यादा तकलीफ होती है उनको, वो मूव नहीं कर पाते सवेरे उठने के बाद, वो कम से कम 15 मिनट तो जहां पे है वहीं पे बैठे रहते हैं, बाद में उनका रूटीन धीरे धीरे शुरू होता है। मैंने कहीं तो पढ़ा भी है कि WHO के अकॉर्डिंग 6 में से हर 1 को आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, हर 6 में से 1 को, तो ये बहुत बड़ा है, 6 में से 1 तो WHO के अकॉर्डिंग है, तो आप तो मुझे तो लगता है कि कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि हमारा डाइट भी अच्छा नहीं है और हमारे खान पान जो भी हमें मिल रहा है वो भी केमिकल से केमिकल युक्त है, इसलिए वो ओरिजिनल तो नहीं है, इसलिए आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बहुत बढ़ने वाली है और अभी तो बहुत बढ़ भी चुकी है। दूसरा आर्थराइटिस में और एक प्रकार रहता है एस्ट्रो आर्थराइटिस, उसमें हड्डियां वीक होना, ये बहुत कमजोर होती है हड्डियां, ज्यादातर ये लेडीज में देखा जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में मैंने पहले कहा वैसे ब्लड में और हड्डियों में कैल्शियम रहता है, तो लेडीज का ब्लड के साथ कैल्शियम बॉडी के बाहर निकल जाता है, पहले तो मेंस्ट्रुएशन के पीरियड में चला जाता है, नेक्स्ट रहता है उनका फर्स्ट प्रेगनेंसी, उसमें भी वो कैल्शियम बहुत उनके बॉडी से निकल जाता है, लेकिन उस समय वो उतना ध्यान नहीं देते या उनके डाइट में वो कैल्शियम ऐड नहीं करते, कैल्शियम की कमी पूरी नहीं होती है वो। नेक्स्ट सेकंड प्रेगनेंसी में तो पहला बच्चा और दूसरा बच्चा दोनों को ध्यान देते देते लेडीज खुद की तरफ उतना ध्यान नहीं देते, और लास्ट में मोनोपॉज का पीरियड होता है तब भी बहुत ब्लीडिंग वगैरह होती है, तो लेडीज में ज्यादातर ये प्रॉब्लम पाए जाते हैं। जेंट्स लोग या घर के लोग क्या कहते हैं आजकल के, आप जब गांव में जाते हैं, मैं जाती हूँ तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, अरे इस उम्र में आपको हड्डियों का प्रॉब्लम होता है, वो किस वजह से होता है, आप घर में बैठ के नहीं रहते, हमें खाना नेचुरल नहीं मिल रहा। और ये पहले के लोग 6-6 महीने जब भी प्रेग्नेंसी वो डिलीवरी होती थी 6-6 महीने आराम करते थे, अब वर्किंग वुमन हो गए है सब और ज्वाइंट फैमिली नहीं है तो आराम करने के लिए घर में और कोई नहीं रहता तो खुद को ही काम करना पड़ता है, इसलिए वो मैं बोल रही हूँ ना हमारा डेली रूटीन बदल गया है, इसलिए हमें ये पूरे प्रॉब्लम आ रहे हैं। इसके लिए हमारे वेस्टेज में जो भी इतना सुंदर सप्लीमेंट है और ट्रीटमेंट, वो सबसे पहले इसमें आता है कोलेजन, ये मोस्ट है, कोलेजन मोस्ट है सबके लिए, लेडीज हो जेंट्स हो, कोलेजन एक कॉम्बिनेशन है, कोलेजन प्लस रोजहिप एक्सट्रैक्ट प्लस विटामिन सी,
कोलेजन हमारे हड्डियों में जो कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं उनको अच्छा करने का काम करता है। कनेक्टिव टिश्यूज हमारे जो कार्टिलेज रहते हैं उनको ज्वाइंट करके रखता है। कनेक्टिव टिश्यू वो एक सिलाई का काम, जो भी हमारे कपड़ों में सिलाई रहती है उसके टाके अगर टूट जाए तो वो कपड़ा भी फैल जाता है इधर उधर और वो खराब हो जाते हैं। वैसे ही हमारे कार्टिलेज को ज्वाइंट रखने का काम कनेक्टिव टिश्यूज करते हैं। वो कनेक्टिव टिश्यूज को अच्छा रखने का काम कोलेजन करता है। और जो स्टिफनेस आते हैं हड्डियों में अकड़न, तो उसे भी अच्छा करने का काम कोलेजन करता है। कोलेजन में जो रोज हिप एक्सट्रैक्ट है वो हड्डियों के स्टिफनेस में भी काम करते हैं और वो एक जो दर्द होता है उसमें पेन होता है उसे भी कम करने का काम करते हैं। वो पेन किलर का काम करता है रोज हिप एक्सट्रैक्ट। मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो कैंसर के ट्रीटमेंट में भी वो रोज हिप एक्सट्रैक्ट यूज किया जाता है, क्योंकि जो भी पेशेंट को पेन रहता है वो कम करने के लिए। और विटामिन सी हमारा जो नेचुरल कोलेजन रहता है हमारे बॉडी में वो बनाने के लिए मदद करता है हमारे बॉडी को। हमारे हड्डियां कोलेजन की वजह से बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि वो जो कार्टिलेज को हिलने नहीं देता तो इसकी वजह से कार्टिलेज ज्यादा खराब भी नहीं होता। और ये कोलेजन सिर्फ हड्डियों पे नहीं, हमारे स्किन के लिए भी बहुत असरदार है, बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी भी है। कोलेजन हमारे जो स्किन के ऊपर ड्राइनेस वगैरह रहता है, रिंकल्स रहते हैं, उसे टाइट करने का काम करता है, स्किन को टाइट करता है। कोलेजन बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये ज्यादातर जापानीज लोग, ये भी मैंने पढ़ा ही है, जापानीज और कोरियन पीपल जो है ये कोलेजन को पानी की तरह यूज करते हैं, पानी की जैसे वो ऐड करते हैं अपने शरीर में उसे, इसलिए उनका स्किन भी बहुत ग्लो भी करता है, बहुत अच्छा भी है, हम सबको ही पता है। साइनोवियल फ्लूइड भी हमारा खराब होता है तो उसकी वजह ही है कनेक्टिव टिश्यू। साइनोवियल फ्लूइड मीन्स हमारे जो कार्टिलेज के बाद साइनोवियल फ्लूइड मीन्स वो चिकना ही, जो डॉक्टर बोलते हैं ना आपके घुटनों के अंदर का, नहीं तो वो हड्डियों के बीच का तेल खत्म हो गया है, ऑयल खत्म हो गया, उसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। वो भी जो भी आपका जो प्रॉब्लम है जॉइंट्स और बोन्स, वो शुरू ही होता है जो कनेक्टिव टिश्यूज खराब होने की वजह से। मेन तो वही प्रॉब्लम, आपका कार्टिलेज खराब है, इसका प्रॉब्लम कारण वही है, कनेक्टिव टिश्यूज खराब है। आपका साइनल फ्लूइड खत्म हो गया उसका भी वही प्रॉब्लम है। तो ये कोलेजन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये स्पेशली आफ्टर 30 लेडीज को, जेंट्स को लेना ही चाहिए। आपको प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है तो आप एक दिन बाद एक दिन गैप करके भी आप ले सकते हैं। आप 3 महीने ले लीजिए, फिर गैप कर दीजिए 3 महीने, फिर 3 महीने, क्योंकि बीमारी शुरू होने से पहले ही हम उसका इलाज करेंगे तो आगे जाके हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगे। ये लेते कैसे है, पानी में कांच के ग्लास में, एम्प्टी स्टमक सवेरे कांच के ग्लास में पानी में ये मिक्स करके ले लेते हैं। जिससे बहुत ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है आर्थराइटिस का, तो उन्होंने 6 महीने कंटिन्यू उनको कोलेजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं रहता कि 1-2 दिन 8 दिन महीना भर हम, नहीं तो 3 महीने ले लिए खत्म हो गया। ये जब जिनका ज्यादा बड़ा हुआ प्रॉब्लम रहता है उनको 6 महीने कंटिन्यू लेना पड़ता ही है। 6 महीने के बाद आप 1-2 महीने गैप करके फिर से ले सकते हैं। लेकिन ये कोलेजन हमारा, मैं तो बोल रही हूँ ये चमत्कार, यहाँ वेस्टेज में जो भी प्रोडक्ट है वो चमत्कार है हमारे लिए। कोलेजन मार्केट में बहुत मिलते हैं लेकिन उनमें कॉम्बिनेशन नहीं रहता है रोज हिप एक्सट्रैक्ट का और विटामिन सी का, सिर्फ कोलेजन रहता है। तो ये वेस्टेज का कोलेजन जो है वो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आता है सप्लीमेंट ग्लूकोजामाइन, ग्लूकोज प्लस अमीन। जिनको भी ग्लूकोजामाइन देते हैं उनको कोलेजन देना ही पड़ता है, क्योंकि ग्लूकोजामाइन दे रहे हैं। ग्लूकोजामाइन क्या काम करता है,
हमारी जॉइंट्स में जो चिकनाहट रहती है वो तैयार करता है। अगर वो कम तैयार नहीं हुए तो वो हमारे घर में, जब आप फॉर एग्जांपल ले सकते हैं घर की कुंडी, दरवाजे की कुंडी वगैरह जो खराब होती है, तो हम ऑयल डालते हैं और वो ऑयल डालने के बाद उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है और वो आसानी से हिल सकते हैं वो कुंडी वगैरह। वैसे हमारे घुटनों का भी है, इसलिए वो फ्लेक्सिबल होने के लिए, ज्वाइंट की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी करने के लिए भी ग्लूकोजामाइन हमें लेना पड़ता है। जिसको भी ज्यादा भी, जिनका भी ज्वाइंट का पेन ज्यादा होता है, डैमेज हो रहे हैं ज्यादा, उनको ग्लूकोजामाइन लेना ही पड़ता है। डॉक्टर आजकल डॉक्टर इंजेक्शन के थ्रू भी वो ऑयल हमारे हड्डियों में ऐड कर दे रहे हैं, लेकिन वो उतना नहीं, जो भी नेचुरली आप अंदर से लेंगे वो काम करेगा। साइनोवियल फ्लूइड मतलब ही चिकनाई होती है, साइनोवियल फ्लूइड तैयार करने का काम ग्लूकोजामाइन करता है। और कार्टिलेज बनाने में, कार्टिलेज जो घिस जाते हैं उसको भी बनाने का काम ग्लूकोजामाइन करता है। ग्लूकोजामाइन बहुत महत्वपूर्ण है, वो कार्टिलेज खराब होने के बाद दोबारा बनाने का काम और उसे ठीक रखने का काम भी ग्लूकोजामाइन करता है। तो मैंने कहा है कि ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जब आपके कनेक्टिव टिश्यूज खराब हो गए तो आपका कार्टिलेज धीरे धीरे खराब होगा। कार्टिलेज खराब हो रहा है इसका मतलब आपका साइनल फ्लूड भी खत्म हो रहा है, इसलिए आपको कोलेजन तो लेना ही, कोलेजन के साथ ग्लूकोजामाइन लेना ही पड़ेगा। हर एक, मैं बोल रही हूँ, हर एक लेडीज को 30 के बाद ये शुरू करना चाहिए, क्योंकि पेन ज्यादा होने के बाद आप शुरू करेंगे तो उसको ठीक होने में भी उतना ही टाइम लगेगा। ग्लूकोजामाइन में और एक कॉम्बिनेशन रहता है कॉर्डोट्रिन, वो भी हमारे बॉडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो हड्डियों में जो पेन होता है वो कम करता है। डायबिटीज में ग्लूकोजामाइन यूज नहीं करते स्पेशली, क्योंकि ग्लूकोजामाइन हम जिनको भी हड्डियों का प्रॉब्लम रहता है, उनका एज ज्यादा रहता है, तो अब तो कंपलसरी शुगर तो कंपलसरी हो गया, बीपी का प्रॉब्लम कंपलसरी हो गया, तो जिनको शुगर रहता है उन्हें ग्लूकोजामाइन नहीं देती, क्योंकि उसके नाम में है, उसमें ग्लूकोज है तो नहीं देती। पहले तो आपको, जिनको भी हड्डियों का प्रॉब्लम है उनको शुगर है, तो पहले तो आपको उनकी शुगर के ऊपर काम करना पड़ेगा, और उनका शुगर कम होता जाए तो होगा तो उन्हें आप 2-4 दिन के बाद, नहीं तो 1-2 दिन गैप करके ग्लूकोजामाइन शुरू कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि शुगर के पेशेंट बिल्कुल ही मीठा नहीं खाते, बहुत सारे लोग हैं जो मीठा खाते हैं और शुगर की 2-2, 3-3 गोलियां भी लेते हैं, तो ग्लूकोजामाइन उनकी तबीयत देख के देना पड़ता है। और ये ध्यान में रखना पड़ता है कि शुगर वालों को ज्यादातर हम नहीं देते ग्लूकोजामाइन, वेस्टेज का ग्लूकोजामाइन वो यूज नहीं करते। उसका डोज कितना है ग्लूकोजामाइन का, 2 टैबलेट्स 2 टाइम खाना खाने के 40 मिनट बाद। खाना आफ्टर मील्स जो भी हमारे सप्लीमेंट है आफ्टर मील्स, वो हमें ध्यान में रखना है कि खाना खाने के 40 मिनट बाद। और खाना खाने के पहले के जो सप्लीमेंट है लाइक नोनी, तो वो खाना खाने के 40 मिनट पहले लेने के है। और खाने में, खाने के साथ जो बोलते हैं वो खाने के साथ आप ले सकते हैं, आधा खाना होने के बाद भी। ग्लूकोजामाइन खाना खाने के बाद है, 40 मिनट बाद। तीसरा हमारा प्रोडक्ट आता है वो कैल्शियम। कैल्शियम तो हमारे बॉडी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कैल्शियम अच्छा रहेगा, विटामिन डी अच्छा रहेगा, तो हमें ज्यादा बोन्स के प्रॉब्लम होंगे ही नहीं, ये तो हम सबको पता है। कैल्शियम हर शरीर में हर एक काम के लिए कैल्शियम की जरूरत होती है। हार्ट को पंप करने के लिए कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है, कैल्शियम चाहिए। हार्ट पंप कर नहीं करेगा, अगर कैल्शियम कम होगा आपके बॉडी में तो आपका हार्ट पंप करने के लिए उसको तकलीफ होगी। ब्लड प्रेशर में, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए कैल्शियम जरूरी है। हड्डियों को अच्छा रखने के लिए कैल्शियम की जरूरत है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि कैल्शियम हमारे बॉडी में हर एक कार्य के लिए जरूरी है, मोस्ट है। 100 में से 80 औरतों के बीच, महिलाओं की हड्डियों में कैल्शियम नहीं रहता, वो हड्डियां पूरी खोखली हो जाती है। मैंने पहले ही आपको बताया कि लेडीज में ज्यादातर कैल्शियम की कमी किस वजह से होती है, क्योंकि खून
के द्वारा उनका कैल्शियम बॉडी से बहुत बाहर निकल जाता है, बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और हम वो उस टाइम ध्यान नहीं देते। नहीं तो किसी को डाइट में नहीं मिलता कैल्शियम, जो भी दूध के पदार्थ यूज करते हैं, दूध लेते हैं, पनीर लेते हैं, वो जिनके खाने में डाइट में ज्यादा दूध के पदार्थ रहते, तो उनका कैल्शियम तो ठीक से ये होता है, क्योंकि उनको कैल्शियम मिलता भी है, बाहर से थोड़ा लेना पड़ता है। और जो बिल्कुल दूध यूज ही नहीं करते, जिनको दूध अच्छा नहीं लगता, जो दूध खाना पसंद नहीं करते, उनमें तो ज्यादा कैल्शियम की कमी रहती है। लेडीज तो खुद की तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं देती, इसलिए कैल्शियम ज्यादा कम भी होता है, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां खोखली हो जाती हैं। कैल्शियम में विटामिन डी होता है, जो हमें हमारे पोषण में हर चीज के लिए हमारे बॉडी को विटामिन डी लगता है। आपका कोलेस्ट्रॉल अच्छा नहीं है, उसका कारण है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी जब कम होता है तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा दिखाता है बॉडी में। विटामिन डी की कमी से हमारा वेट लॉस का भी प्रॉब्लम आता है। ज्यादातर लोग वो बोलते हैं, हम खाना तो बहुत कम खाते हैं लेकिन हमारा वेट लॉस नहीं होता। उसका एक रीजन विटामिन डी की डेफिशिएंसी, वो कमी जो रहती है, आप चेक ही नहीं करते ना, हम चेक नहीं करते विटामिन, ज्यादातर लोग, इसलिए वो आपके बॉडी में जब विटामिन डी की कमी रहती है, आपका वजन कम नहीं होगा और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहेगा। हड्डियों में किसी के ज्यादा, लेडीज के हड्डियों में देखो, उठते बैठते समय कट कट की आवाज आती है, वो किस वजह से? कैल्शियम की कमी की वजह से। कैल्शियम की कमी की एक कैल्शियम की कमी की वजह से बहुत सारे, विटामिन डी की कमी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। थायराइड के पेशेंट है, उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी डेफिनेटली रहती है। पीसीओडी का प्रॉब्लम है, उसमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है। डायबिटीज है, उसमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है। इसलिए कोई भी प्रॉब्लम हो, पहले तो हमें विटामिन डी टेस्ट करवा ही लेना चाहिए। हर 10 में से 9 लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है, और ये आजकल के जो रूटीन है हमारा, इसकी वजह से भी हो रहा है। मैं बोल रही हूँ ना, खान पान हम सूरज की धूप में नहीं रहते, ये बहुत सारे उसके ये हो सकते हैं, लेकिन कमी है। कैल्शियम का डोज 1 कैप्सूल, हमारे जो वेस्टेज का कैल्शियम है हमारे बॉडी के लिए हम जी, सवेरे कैल्शियम की हेलो, जी अभी आ रही है, नहीं आ रही है ना मैडम? हाँ, आ रही की आवाज आवाज नहीं आ रही थी। अभी आपसे अभी हेलो, हाँ आपकी आपकी आवाज नहीं आ रही मैडम, कट हो रही, नेटवर्क इश्यू शायद। हाँ भी आवाज नहीं, अभी शायद ये आपकी आ रही है, हाँ कंटिन्यू कर। अच्छा, ओके, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, कैल्शियम मैं बोल रही थी, कैल्शियम और आयरन हमें कभी भी एक साथ नहीं लेना है,
क्योंकि दोनों आयरन थोड़ा हेवी होता है डाइजेस्ट होने के लिए, तो हमें ये दो ही ऐसे सप्लीमेंट है वेस्टेज में जो एक साथ नहीं ले सकते, कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते इसका। कैल्शियम जब हम लेते, कैल्शियम आयरन के बीच कम से कम 4 तास का अंतर होना चाहिए। जब हम कैल्शियम ले रहे हैं तो 4 घंटे के बाद हम आयरन ले सकते हैं, नहीं तो आयरन ले रहे तो उसके 4 घंटे के बाद हम कैल्शियम ले सकते हैं। कैल्शियम हमारे बॉडी के लिए मोस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है कॉम्बायोटिक्स। कॉम्बायोटिक्स में हमें पता है बहुत सारे विटामिन का कॉम्बिनेशन है, कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पूरी करता है कॉम्बायोटिक्स। जब हम दो कैल्शियम के दो सप्लीमेंट ले रहे हैं तो 250-250 mg के है, और जब आप कॉम्बायोटिक्स लेंगे आपके बॉडी में कितनी भी कमी हो कैल्शियम की वो पूरा कमी भर देगा कॉम्बायोटिक्स। कॉम्बायोटिक्स में विटामिन B12 भी होता है जो हमारे हड्डी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो हड्डियों को मजबूत करता है। ये 2 कैप्सूल पर डे खाना खाने के बाद ही। नेक्स्ट आता है कर्क्यूमिन। जिसका भी सिवियर जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है बहुत सालों से, उनको कर्क्यूमिन देना ही पड़ता है। कर्क्यूमिन एंटी इंफ्लामेटरी है उसके अंदर, मतलब वो सूजन को कम करता है एक तरफ से। हाँ, कर्क्यूमिन वो हल्दी का सप्लीमेंट है, हम सबको पता है, और हल्दी क्या काम करती है हमें पता ही है। वो जो हड्डियों का स्टिफनेस नहीं रहता है और जो सूजन रहती है उसे कम करता है कर्क्यूमिन। कर्क्यूमिन स्पेशली ऐड करना ही पड़ता है जिनको ज्यादा तकलीफ है, वो भी खाने के बाद ही है। 2 टाइम ले सकते हैं खाना खाने के बाद। उसके बाद का सप्लीमेंट आता है फ्लैक्स ऑयल। फ्लैक्स ऑयल में ओमेगा 3 है, 6 है, विटामिन ई है, वो भी एंटी इंफ्लेमेटरी है। फ्लैक्स ऑयल खाना खाने के बाद 2 टाइम लेना है। फ्लैक्स ऑयल की वजह से भी, फ्लैक्स ऑयल खाने से हमारे जो हड्डियों पे सूजन है और जो दर्द भी है वो भी कम हो जाएगा। फ्लैक्स ऑयल हमारा जो ब्लड में गाटी होती है उसको भी कम करेगा। जो भी जिनको भी पेन का प्रॉब्लम होता है वो ज्यादातर क्या होते हैं, वो अकड़ जाते हैं। ज्यादा लोग ऐसे सीधे से खड़े नहीं हो सकते, घुटनों में तकलीफ होती है तो घुटने भी ऐसे टाइट नहीं हो सकते, उसके लिए फ्लैक्स ऑयल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। वेस्टेज में मैं बोल रही हूँ, जितने भी हम जॉइंट्स और बोन्स के लिए जितने भी सप्लीमेंट लेते हैं, कोलेजिन, ग्लूकोजामाइन, कैल्शियम, कर्क्यूमिन, कॉम्बायोटिक्स, कर्क्यूमिन, फ्लैक्स ऑयल, ये सब बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये लेने के बाद हड्डियों की तकलीफ तो कम होगी ही, और जो भी ये सप्लीमेंट है इससे हमें साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे, 100% रिजल्ट तो आएगा। मैं तो बोल रही हूँ कि लेडी, हम सब लेडीज आज जितने भी हम इस मीटिंग में है वो सब लेडीज को हमें भी लेना चाहिए और हमें दूसरों को भी बताना चाहिए कि हमारे घर में बहुत सारे ऐसी लेडीज है कि जिनको प्रॉब्लम शुरू हो गई है। मोनोपॉज के बाद ज्यादातर लेडीज खुद के ऊपर ध्यान देती है, क्योंकि तब तक हमारे जो भी डिसीज होते हैं वो ज्यादा बढ़ते हैं, बाहर दिखाई देते हैं, तब हम शुरू करते हैं। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए हमें। जब हमारी समझ में आ जाए और हमें पता चले कि ये होने ही वाला है, होने तो वाला ही है, तो अभी से हमें कोलेजिन ग्लूकोजामाइन शुरू करना चाहिए, क्योंकि हमारे जॉइंट्स अच्छे रहे और कनेक्टिव टिश्यूज भी अच्छे रखना है, कार्टिलेज अच्छा रखना है, स्पाइनल फ्लूइड भी अच्छा रखना है, फिर ही हमारी तबीयत अच्छी रह सकती है। और ऐसा नहीं है कोई भी लेडीज को कितने भी अगर बीमार पड़े तो भी उनको काम तो करना ही पड़ता है। तो आज से ही हम हमारी तबीयत का ध्यान रखेंगे और वेस्टेज के पूरे सप्लीमेंट लेंगे ही लेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने इतनी देर तक मुझे सुना, और ये मेरा फर्स्ट सेशन था, कुछ गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए, सॉरी। थैंक यू सो मच मनीषा जी, थैंक यू। आपका सेशन सुन के तो ऐसा लग रहा है कि आपने कितना नॉलेज लिया है, आपने कितना अच्छा स्टडी किया है,
एंड मनीषा जी आपकी वॉइस एकदम क्लियर है, आपके वर्ड्स, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी वॉइस में वो पावर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपका फर्स्ट सेशन ही इतना शानदार है, तो अगर आप कंटिन्यू सेशन करते रहेंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। थैंक यू वंस अगेन, फर्स्ट टाइम फर्स्ट सेशन मैम, बट सुपर। मीनाक्षी जी ने मैसेज किया है, सच में आपका सेशन बहुत ही सुपर सुपर रहा। थैंक यू। अब मनीषा जी, अब नेक्स्ट सेशन के लिए हम और वेट करते हैं आपका। आपका जब भी हो जाए तब आप मुझे कॉल करिएगा, नेक्स्ट सेशन हम आपका फिर से रखेंगे। एंड गुड मॉर्निंग मैम। हाँ संतोषी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मनीषा जी। गुड मॉर्निंग मैम। बहुत अच्छा, बहुत मतलब नॉलेज लिया आपने इसका। मुझे पता है कि आप काफी दिनों से इसके बारे में स्टडी कर रही थी। आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे सीखती हैं, और मुझे पता है कि आपने जितने भी मतलब ऑफर हैं कंपनी के वो सारे लिए हैं। तो मुझे पता है कि आप थाईलैंड टूर का भी डेफिनेटली आप अचीव कर लोगी। ऐसे ऑल द बेस्ट मनीषा जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत लगा ही नहीं कि आपने फर्स्ट टाइम किया। yes. ऐसे हाँ, मतलब इतना आपका मराठी लैंग्वेज होते हुए भी आपने बहुत अच्छे से हिंदी लैंग्वेज बोला, ऐसे बहुत अच्छी से पूरी चीजें प्रेजेंट की, और सभी लोगों को काफी नॉलेज भी मिला है इसकी वजह से। थैंक यू मनीषा जी, थैंक यू सो मच मैडम। आपकी वजह से, सुनीता मैडम की वजह से हमारा हिंदी अच्छा हो रहा है। बहुत अच्छा हिंदी था आपका, आपके वर्ड्स मतलब केमिकल युक्त, मतलब इतना प्योर हिंदी आपने बोला है कि ऐसा आपका मराठी तो बिल्कुल उसमें आया ही नहीं, आपने प्योर हिंदी में बोला है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आपने कितना डिटेल में नॉलेज दिया है, बहुत अच्छे से आपने समझाया है। एंड राजश्री पाटिल कुछ बोलना चाहते हैं? राजश्री ताई, गुड मॉर्निंग दीदी, और गुड मॉर्निंग मनीषा ताई, बहुत बहुत कितनी अच्छी मीटिंग करे। मुझे पता था, कल मुझे बोले थे कि मैं मॉर्निंग रिसीवर करने वाली हूँ, तो मैं बोली कि बस मस्त, बेस्ट ऑफ लक है। तो देखो मेरा भाग्य कितना है, मैं एक भी मीटिंग नहीं कर पाई, लेकिन मेरी डाउनलाइन इतने अच्छे से मीटिंग कर पा रहे हैं, तो मैं भी जल्दी करूंगी। सच में बहुत मुझे नाज है इन पे, और ये पूरा श्रेय संतोषी दीदी को ही जाता है कि उन्होंने परफेक्ट बना दिए है सबको, एक एक करके। और मॉर्निंग रिसीवर का तो सुनीता दीदी ने तो बहुत हेल्प की है, इसलिए हम आप यहाँ तक है। सच में दीदी आप तो ग्रेड है, और दीदी भी हमको बहुत अच्छे से हेल्प कर रहे हैं। सच में इतना कितना भी थैंक यू करो ना, उतना ही कम है सच में। और मनीषा ताई खरच खूब खूब मनापासून अभिनंदन वर काय, खूप मस्त मीटिंग झाली तुमची खरच। थँक्यू ताई, थँक्यू सर, तुमच्या सगळ्यांच्या गुड विशेषमुळे बेस्ट ऑफ लक। आधी तर सुनीता ताईंनी, सुनीता मॅडमनी बेस्ट ऑफ लक दिले, तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने छान झालं। खरच असंच पुढे या, अजून खूप लवकर लवकर, जसं मला 6 महिन्यात क्राउन व्हायचंय तसं नक्कीच तुम्ही लवकरात लवकर क्राउन होणार आहे, मला गॅरंटी आहे। यस यस, बहुत जल्दी क्राउन बनेंगे मनीषा जी। अभी तो थायलंड चलना है, अभी तो थायलैंड चलना है, पहले तो थायलैंड है। यस, एंड फ्रेंड्स अभी ऐसे ही सब लोग यहाँ पर अगर छोटी छोटी मीटिंग करते रहेंगे तो आपके अंदर का जो डर है ना वो डर निकल जाएगा, और आप ना फील्ड पे जाके बहुत अच्छे से मीटिंग कर सकते हो। और फील्ड पे जाके मीटिंग करने के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड मनीषा जी यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप वो क्वेश्चंस पढ़ के आप आंसर दे दीजिए। मुझे लगता है कि इससे बेस्ट आंसर आप ही दे सकते हो, सबसे बेस्ट आंसर अभी यहाँ पर। अगर किसी को शुगर है, देने का ट्राई करूंगी। यस, ट्राई करें। किसी को शुगर है तो ग्लूकोसामाइन की जगह पर हम क्या दे सकते हैं? नहीं, ग्लूकोसामाइन ऐड ही नहीं करना है, क्योंकि पहले तो उनके शुगर पे काम करना है। हम उनका शुगर लेवल थोड़ा कम करेंगे, हम शुगर का ट्रीटमेंट करेंगे उनके ऊपर पहला, और ग्लूकोसामाइन दे सकते हैं, लेकिन एक दिन के बाद दो चार दिन गैप करके, क्योंकि शुगर के पेशेंट हम सबके घर में रहते तो आप मोस्टली देख लेते, वो मीठा बहुत ज्यादा खा लेते और शुगर की एक गोली की जगह 2 गोलियां ले लेते हैं, तो ग्लूकोसामाइन भी ले सकते हैं। ये भी मैं खुद से नहीं बोल रही, ये मैंने बाली मैडम का वो वीडियो सुना था, तो बाली डॉक्टर वैशाली बाली मैडम ने कहा था कि आप शुगर के पेशेंट को दे सकते हैं, लेकिन रिस्क नहीं ले सकते। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट शुगर के पेशेंट को अगर ग्लूकोसामाइन देंगे कुछ जानकारी ना लेते हुए, तो उनका शुगर लेवल बढ़ सकता है, ग्लूकोज रहते हैं ना उसमें, तो गैप करके देना चाहिए उन्हें। मनीषा दीदी ग्लूको हेल्थ भी दे सकते हैं ना?
हाँ ऐसा क्या, मुझे उसके ज्यादा पता नहीं। हेल्प दे सकते अपन। हाँ हाँ ग्लूकोज लेकिन वो ग्लूकोज हमें ग्लूको हेल्थ कंपलसरी दे सकते अपन। यस अगर किसी को शुगर है ना तो पहले शुगर पे काम करना है तो नीम और ग्लूको हेल्थ और फ्लेक्स ऑयल ये तीन चीजें देना जरूरी है। जब उनकी शुगर लेवल बैलेंस हो जाती है तब हमें ग्लूकोसामाइन हम एक टाइम दे सकते हैं उनको बिफोर लंच बिफोर मील्स हम एक टाइम उनको दे सकते हैं ग्लूकोसामाइन। एंड उनकी जब शुगर लेवल नॉर्मल हो जाती है क्योंकि फ्लेक्स ऑयल के साथ में अगर आप ग्लूकोसामाइन देंगे तो उतना नुकसान नहीं करेगा। एंड इसके साथ साथ ग्लूकोसामाइन अगर उनको रिप्लेस करना है तो आप कोलाजन उनको आप डेली डेली दे सकते हो। कोलाजन पहले शुगर लेवल बैलेंस करने के बाद हम ग्लूकोसामाइन दे सकते हैं। इसके लिए हमें ग्लूको हेल्थ और नीम देना बहुत जरूरी है और फ्लैक्स ऑयल के साथ साथ में हम ग्लूकोसामाइन भी दे सकते हैं। एंड और किसी का कोई क्वेश्चन था यहाँ पर, दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। हाँ किसी ने पूछा विटामिन डी स्प्रे दे सकते हैं क्या? संतोषी मैम आप क्वेश्चन पढ़ के आप आंसर दे दीजिए। हाँ विष्णु सर ने पूछा है कि एसिडिटी प्रॉब्लम में क्या देना है तो हाँ। मैं बताना चाहती हूँ कि एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो सबसे पहले उनके घर का चाय पत्ती हमें जेटा टी और हमारा राइस ब्रेन ऑयल तो सबसे पहले वो चेंज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर सप्लीमेंट में आपको बताना चाहूंगी एलोवेरा उसके लिए सबसे बेस्ट सप्लीमेंट है और उसके साथ में हमें कम्बायोटिक्स देना है। कम्बायोटिक हमें जैसा ही हमारा खाना खत्म होता है कि हमें तुरंत लेना है तो एसिडिटी प्रॉब्लम में वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा ऐसे खाना खाने के तुरंत बाद। और किसी का सवाल है लो बीपी में क्या देना है? लो बीपी में हमें स्पायरुलिना सबसे बेस्ट है। क्रिल ऑयल नहीं, क्रिल ऑयल देना है हमें नोनी और फ्लैक्स ऑयल नहीं देना है। स्पायरुलिना और क्रिल ऑयल लो बीपी प्रॉब्लम के लिए बेस्ट है। यस और एक क्वेश्चन है यहाँ पर 14 इयर्स की एक लड़की है जिसको बैक पेन है तो उनको क्या दे सकते हैं? नहीं कैल्शियम कैल्शियम देना है। प्रोटीन पाउडर है हमारा कैल्शियम देना है। क्रिल ऑयल भी दे सकते हैं अगर बैक प्रॉब्लम है तो क्रिल ऑयल भी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और प्रोटीन पाउडर प्रोटीन की कमी से भी बैक पेन होता है तो प्रोटीन पाउडर तो डेफिनेटली देना ही देना है। रानी मैम का भी कुछ सवाल है तो रानी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। गुड मॉर्निंग मैम, मैम का बहुत अच्छा सेशन हुआ मैम, मैम ने बहुत अच्छा बताया। और मैम एक मैम मेरी कर लूंगी मैम, मैं भी मैम की एक बात मुझे अच्छी लगी मैम, उन्होंने कहा हमें कुछ होता है तो हम सप्लीमेंट लेते हैं तो होने के पहले भी लेना चाहिए, ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे उनकी। और हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम तो लेडीज काम में हमारा ध्यान नहीं देते ना मैम, तो हमारे सप्लीमेंट इतने अच्छे हैं कि उसका साइड इफेक्ट भी नहीं है तो हम पहले ही चालू कर देंगे ये सब सप्लीमेंट। बहुत अच्छा था, थैंक यू मैम। थैंक यू रानी मैम। बीमारी होने से पहले ही अगर बीमारी का बचाव कर लिया जाए तो कितना अच्छा रहेगा ना। एंड जिसको विटामिन जैसा 14 इयर्स की एज में हम विटामिन डी स्प्रे नहीं दे सकते क्योंकि जो स्प्रे वाला जो प्रोडक्ट है हमारे पास एब्जॉर्बिट सबलिंगुअल जो स्प्रे है वो 18 इयर्स की एज के बाद हमें देना है। विटामिन डी की अगर किसी को कमी है तो 18 इयर्स के बाद हम विटामिन डी वाला स्प्रे दे सकते हैं। अगर किसी को एज कम है तो आप उनको प्रोटीन पाउडर दीजिए। कैल्शियम हम दे सकते हैं, अपना वाला कैल्शियम दे सकते हैं, स्पायरुलिना दे सकते हैं जिसके अंदर बहुत सारे विटामिन है, और क्रिल ऑयल, क्रिल ऑयल प्रोटीन पाउडर एंड स्पायरुलिना। एंड प्रवीण जी कुछ पूछना चाहते हैं? यस प्रवीण जी, प्रवीण जी आप अपने आप को एडमिट करिए। Yes. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, sir. Yeah. Good morning, ma'am. Yes. Good morning, sir. Good morning. जी बोलिए। हाँ मैम, आवाज आ रही है ठीक से? आ रही है, परफेक्ट आ रही है। हाँ मैम, वो मेरे को
हाँ, तो मेरे एक रिलेटिव में एक लेडीज है, उनको ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम है, मतलब वो मंथली साइकिल जो होता है वो बार बार आता है शायद उनको। हाँ। तो उसके ऊपर हम क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, उनकी उसके एज लिए ट्रीटमेंट क्या दे सकते हैं मैम? हाँ, उनका ना पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा। अभी अभी उनका ना पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा, आप एज उनका अभी करिए बाद में। हाँ जी, ओके ओके। एज एज कितना है उनका? एज नियर अबाउट 40 है मैम, 40। ओके 40 है, तो हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकता है। तो आप उनको नोनी, फ्लेक्स ऑयल और शतावरी, ये तीन चीजें ऐड करिए। और अगर उनका बॉडी के अंदर आयरन और कैल्शियम, अगर वो दोनों चीजें कम है तो आयरन और कैल्शियम भी उनको ऐड करना पड़ेगा। ये आप यहाँ पे आप पहले नोनी, फ्लेक्स ऑयल और शतावरी, ये तीन चीजें स्टार्ट कर दीजिए उनको। उनका बीपी, लो बीपी या फिर शुगर का हाई बीपी कुछ प्रॉब्लम है, थायराइड वगैरह? जी नहीं मैम, नहीं है। ओके, तो उनको फ्लैक्स शतावरी आप नोनी दीजिए उनको, ठीक है? हाँ जी, ओके मैम, थैंक यू। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। एंड हर्षा मोदी जी, हर्षा जी। यस, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज मीना मनीषा दीदी ने बहुत अच्छा गाइडलाइन दिया और इतने शांति से दिया कि एक एक वर्ड्स हम नोट कर पाए। Yes. नोट कर पाए हम, हाँ नोट कर पाए, आराम से नोट बना के हम उसको रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे, और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम उसको बता सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सेशन दिया, थैंक यू, थैंक यू। और मेरा एक क्वेश्चन है दीदी, ये डायबिटीज मेरे देवर जी को लो होता जा रहा है, लो होता जा रहा है, तो उसमें क्या करना है दीदी, डायबिटीज? यस, इसके ये सवाल का जवाब कौन देगा यहाँ पे? संतोषी मैम, अगर किसी का लो डायबिटीज है तो उनको क्या दे सकते हैं? एवरीडे चेक करना पड़ता है दीदी। अच्छा। लो तो बहुत तो बड़ा प्रॉब्लम होता है, अगर हाई रहा तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लो बहुत प्रॉब्लम होता है तो उनको, मतलब मुझे लगता है कि स्पिरुलिना ये हमें देना चाहिए, मतलब जो हमारे मल्टीविटामिन, हाँ सीबकथॉर्न हो गया हमारा, स्पिरुलिना, कोलेस्ट्रॉम, यही सबसे बेस्ट है, यही चीजें उनको देना है। क्योंकि ग्लूको हेल्थ और तो हम दे नहीं सकते हैं, और ना तो नोनी दे सकते, फ्लेक्स ऑयल दे सकते, तो उनको आप क्रील ऑयल है, सीबकथॉर्न है, ये चीजें आप उनको दीजिए, कोलेस्ट्रॉम। ओके, स्पिरुलिना, सीबकथॉर्न, कोलेस्ट्रॉम और क्रील ऑयल। क्रील ऑयल, यस यस, ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। मुनीरा जी, यस मुनीरा मैम। मैम गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। एक जन है, उनकी एज है ना 30-35 है, उनको बीपी शुगर कुछ भी नहीं है, लेकिन अचानक से मंथ में एक बार बॉडी पेन होके फीवर आता है, और फिर वो पेन पूरा पैरों में आता है, जलन होती है, तो उसमें क्या देना? उनको उनकी बॉडी में है ना वीकनेस बहुत ज्यादा है, इम्यूनिटी वीक है, इम्यूनिटी अगर वीक होता है तो हर महीने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, किसी को सर्दी होता है, किसी को बार बार फीवर होता है, किसी को बार बार टाइफाइड होता है, तो ये जो बार बार कुछ ना कुछ अगर हेल्थ इश्यूज आते हैं, इसका मतलब उनका इम्यूनिटी वीक है। तो इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए हमारे इम्यूनिटी बूस्ट वाले जो प्रोडक्ट है वो उनको देना है। और अगर उनको पैरों में जलन हो रही है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई विटामिन की डेफिशिएंसी, और मैंने जहां तक स्टडी किया है तो विटामिन B12 की कमी की वजह से अपने पैरों के अंदर या फिर हाथों की जो हथेलियां होती है उसके अंदर जलन होती है, तो उनका विटामिन B12 एक बार चेक करवा सकते हैं, चेक करने के बाद हमको पता चलेगा, नहीं तो आप उनको विटामिन B12 का स्प्रे, आप सबलिंगुअल स्प्रे जो है वो आप दीजिए, और इम्यूनिटी बूस्टर के प्रोडक्ट आप उनको सजेस्ट करिए, ठीक है? तो इम्यूनिटी बूस्टर में उनको कोलेस्ट्रॉम दे सकती हो क्या? हाँ, नोनी है, कोलेस्ट्रॉम है, आमला, एलोवेरा, ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट है हमारे, ठीक है? ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, अर्चना मैम। यस अर्चना जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मनीषा जी, का सेशन तो बहुत ही बढ़िया हुआ, उन्होंने बहुत डीप में नॉलेज दिया, बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हुई है, बहुत ही बढ़िया। नहीं तो नॉर्मल में देखा जाता है बोन्स के लिए वगैरह हम नॉर्मली चीजें बता देते, लेकिन उन्होंने बहुत डीप में नॉलेज दिया,
और पहली बार लेने के बावजूद लग ही नहीं रहा था कि उन्होंने पहली बार सेशन लिया है करके. यस, बहुत सुपर. थैंक यू मैम. थैंक यू वेरी मच मनीषा जी. थैंक यू. एंड और हिंदी तो बहुत ही बढ़िया, जैसे नॉर्मली हिंदी घर में ही बोलते हैं वैसे ही बात कर रहे थे. खूब छान मनीषा जी. फर्स्ट इज बेस्ट सेशन. थैंक यू. यस कल्पना देशमुख जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए. आपने हैंड रेस किया लेकिन आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं. हाँ तो फिर हाँ कल्पना जी, इसकी आवाज आई थी अभी. चलिए ठीक है, तो फिर अब हम काफी हमारे हम समय के पास पास करीब करीब पहुंच चुके हैं. मैं भी एक बात बोलना चाहती हूँ कि प्रकाश सर ने मुझे कुछ पॉइंट बताए हैं. उन्होंने बोला है कि हमारे देश में रोजाना हमें 65,000 लीटर दूध की जरूरत होती है कुछ, लेकिन हम मतलब रियल में जो दूध बनता है सिर्फ 25,000 लीटर ही बन पाता है रोजाना. तो ये जो आप रेशियो देखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि कितना ज्यादा मतलब हम ओरिजिनल चीजों से दूर होते जा रहे हैं कि सारी मतलब मिलावटी चीजें हो रही है. तो मैं वही बोलना चाहूंगी कि कैल्शियम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट है. जब पीरियड्स आता है तब मतलब जो पेट दर्द होता है तब कैल्शियम की कमी होती है, उसकी वजह से प्रॉब्लम होते हैं. इवन कितनी छोटी बच्चियां वो प्रॉब्लम फेस करती हैं सिर्फ नॉलेज की कमी की वजह से. तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सभी ये इन सप्लीमेंट का नॉलेज ले और प्रॉपर सभी को गाइड करे और हमें प्रमोट करना है ताकि हम कितना मैं देखती हूँ कि इतना ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम है और इतना अच्छा हम वर्क कर सकते हैं इस पे. हम नॉर्मल चीजें दे सकते हैं सभी को ऐसे. हाँ ये सब हमारे सप्लीमेंट बहुत नेचुरल है और हमें ज्यादा से ज्यादा प्रमोट भी करना चाहिए. ओके मैम थैंक यू सो मच. थैंक यू सिद्धेश्वरी मैम. आपने बिल्कुल सही कहा कि मिलावटी चीजों की वजह से आज हम ओरिजिनल चीजों से दूर होते जा रहे हैं. आज लोग कहते हैं कि हम सब कुछ तो खाते पीते, हमें सप्लीमेंट की जरूरत क्या है, ये दवाई हमें नहीं चाहिए. जब आपके पास ऐसे ऑब्जेक्शन आते हैं ना कि हमें दवाई नहीं चाहिए, तो डियर फ्रेंड्स एक बात गांठ बांध कर रख लेना है कि ये दवाई नहीं है, दिस इज फूड सप्लीमेंट जो आपकी डाइट को पूरा कम्प्लीट करता है. इसलिए हमें ऊपर से कैल्शियम है, आयरन है, या फिर नोनी है, स्पर्लिना इम्यूनिटी बढ़ाने वाले प्रोडक्ट है, या फिर हमारे शुगर को, थायराइड को, हार्ट की प्रॉब्लम्स को मेंटेन करने के लिए हमें ऊपर से ये प्रोडक्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. अगर हम नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिजीज, बहुत बड़ी बीमारियों से हम गिर जाएंगे. तब डॉक्टर के पास हम बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन लेंगे और डॉक्टर के पास हम ट्रीटमेंट करवाएंगे तो लाखों रुपए हमारे खर्च हो जाएंगे. तो वो प्रॉब्लम से बचने के लिए अगर आज हम महीने के 1,000-2,000 रुपए अगर हमने अपनी हेल्थ के लिए खर्चा किया तो आप बड़ी बीमारियों से बच पाएंगे. एंड कल्पना जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ यस दीदी. गुड मॉर्निंग दीदी. गुड मॉर्निंग. हाँ बहुत अच्छा सेशन रहा मनीषा का. उसे वो बचपन से ऐसे जुनून है उसमें कि वो कुछ भी करने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते है. यस यस वो तो कल्पना जी और मनीषा जी दोनों सर्दी पहने हैं. कल्पना जी अपलाइन है, मनीषा जी डाउनलाइन है. यस कल्पना जी अब आपको आगे बढ़ना है, अब आपको भी सेशन देना है. ठीक है. हाँ एंड फ्रेंड्स अब मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगी कि कल यानी कि फ्राइडे 11 तारीख को हमारा जो मॉर्निंग का सेशन है वो सेशन होने वाला है शार्प का एयर प्यूरिफायर. एयर प्यूरिफायर के ऊपर ट्रेनिंग देने जा रही है हमारी जो शार्प की जो सेल्स मैनेजर है रक्षिता. रक्षिता जो यहाँ पर पूरे शार्प के प्रोडक्ट्स का ट्रेनिंग देती है तो वो ट्रेनिंग देने के लिए हमारे बीच आ रही है मॉर्निंग 7 AM को. तो आप अपनी टीम में या फिर जो लोग भी ज्वाइन नहीं है उनको भी आप यहाँ पर इनवाइट करिए ताकि उनको पता चले कि हम जितना ज्यादा वाटर को प्यूरिफाई करके पीते हैं, जितना ज्यादा हम
अच्छे तरीके से फूड को कुक करते हैं, खाना बनाते हैं, बाकी जो चीजें हम बहुत अच्छे से करते हैं, उसी प्रकार से हमें एयर को भी प्यूरिफायर करना कितना जरूरी है, क्योंकि हमारी बहुत सारी जो डिसीज होती है, हमारे एयर के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो जर्म्स होते हैं, उसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां आती है, जैसे कि लंग्स का इन्फेक्शन हो गया, अस्थमा की प्रॉब्लम हो गई, दमे की प्रॉब्लम हो गई, किसी को श्वास की प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को और ज्यादा मतलब किसी को साइनस की प्रॉब्लम है, खांसी छिंकी आना, ये बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है, इसका रीजन क्या है, तो वो मैम हमें बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से हमें एक्सप्लेन करने जा रही है। एंड यहाँ पर मैं अनाउंस कर देती हूँ कि सैटरडे के दिन रश्मिका राठी जी का सेशन होगा जो बहुत ही शानदार होगा, एंड संडे के दिन अश्विनी सर हमारे जो सोनू श्रीवास्तव या फिर किसी और लीडर को यहाँ पर इनवाइट करेंगे, जो हमें बताने वाले हैं कि थाईलैंड ट्रिप को क्वालिफाई करने के लिए हम किस तरीके से बिजनेस को कर सकते हैं। एंड मंडे के दिन जो सेशन होगा हमारा शार्क का वाटर प्यूरिफायर के ऊपर ट्रेनिंग देने आ रही है अगेन फिर से रक्षिता जी, जो हमें वाटर प्यूरिफायर के ट्रेनिंग देंगे। तो चार दिन का हमारा शेड्यूल बन चुका है, तो डियर फ्रेंड्स हमें तैयार रहना है अपनी टीम के साथ, क्योंकि जितना ज्यादा नॉलेज आप लोगे, आप जितना ज्यादा नॉलेज लेंगे और उन नॉलेज लेकर वो प्रोडक्ट्स पे काम करेंगे, तो अपना जो बिजनेस है ऑटोमेटिक ऑटोमोड पे चला जाएगा। एंड कल जो आरती पटेल मैम का जो सेशन हुआ था, आरती पटेल मैम ने जो सिंपल सिंपल से टिप्स बताए थे कि कितने शानदार तरीके से हम इजीली 100 पीवी की कंसिस्टेंसी हम कर सकते हैं, कल अश्विनी सर ने कहा था कि जो लोग थाईलैंड ट्रिप क्वालिफाई करना चाहते हैं उनकी 100 पीवी की कंसिस्टेंसी उनकी हो जानी चाहिए, तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो आज आप लोग सब लोग कंसिस्टेंसी कर लीजिए एंड अपनी टीम में भी करवाइए। तो मैम ने जैसे कहा, इसके ऊपर अगर कोई सेशन लेना चाहते हैं, जो आरती पटेल मैम ने बातें कही थी, तो यहाँ पर जो लोग भी सेशन लेना चाहते हैं कि जैसे शीतल मैम हो गए एंड मीनाक्षी मैम, मीनाक्षी कल का रिकॉर्डिंग है मैं आपको सेंड कर दूंगी, एंड मीनाक्षी जी है, आरती पारिक जी है, राधिका जी है, संतोषी मैम है, या फिर समीशा गिलानी जी है, मुनीरा जी है, अर्चना मैम है, अनामिका जी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कल आरती मैम ने जो बताया था वो आप लोग यहाँ पर सेशन दे सकते हो। तो उसमें से मैं एक चीज करना चाहूंगी कि अभी हमारा विंटर सीजन है एंड शादियों का सीजन अभी स्टार्ट होने वाला है, तो हम यहाँ पर दो प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं, यूथ एलेक्जर एंड हाइड्रेशन क्रीम, जिसपे आपको लगभग दोनों का मिलाकर आपका 88 पीवी होता है। एंड इसके साथ साथ अगर आपने सिर्फ क्लींजर टोनर या मॉइस्चराइजर कोई भी एक या दो प्रोडक्ट अगर हम ऐड कर लेते हैं, या फिर मैम ने बताया कि विटामिन ई वाला जो शीट मास्क है या फिर हमारा हाइड्रेशन जो शीट मास्क है, ये अगर दोनों हम ऐड कर लेते हैं तो हमारा 104 पीवी का बिलिंग होता है। एंड यहाँ पर आपका जो अमाउंट होता है 3170 का। तो यहाँ पर सभी लोग ये दो प्रोडक्ट को आपको खुद भी यूज करना है एंड यूज करने के बाद आप इसका डेमो बताकर हम ये पीवी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं करना है कि 3000 पीवी कैसे होंगे, कैसे नहीं, आप करोगे तो सब चीजें हो जाएगी। यस यस, विटामिन सी सीरम का भी बोला था, ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट का भी बोला था, तो इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो आधा से पौन घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो लोग भी सेशन देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेशन को दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। यस मैम, हाँ मैं भी ये बताना चाहूंगी कि और हमारे इस पे इतना सुंदर सा कप सेट का ऑफर भी है उसके साथ में, और बैग भी है, राउंड बैग है। तो मेरी टीम से अभी तक 10 लोगों ने ये ऑफर ले लिया है, कप सेट का खूबसूरत जो कप सेट है, सभी को बहुत पसंद आया और अभी तक 10 लोगों के ऑर्डर मिल चुके हैं कप सेट के। ग्रेट ग्रेट संतोषी मैम, ग्रेट। देखो 20 लोगों ने अगर कप सेट का ऑफर लिया है तो ऑब्वियसली सभी ने 2500 की बिलिंग करी होगी, तो 2500 की बिलिंग अगर 20 लोगों ने करी है तो आप सोचिए कि कितना पीवी हुआ होगा, राइट। एंड स्लिंग बैग जो 4000 पे है, बहुत ही शानदार वो बैग है, तो सब लोग अपने ऑफर का फायदा उठाइए, कंसिस्टेंसी करिए एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट को परचेस करके 14, 15 और 16 को, जो हमारे ग्रुप के लिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट जो होने जा रहा है उसके लिए प्रोडक्ट को परचेस करके ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी आपको पार्टिसिपेट करना है। एंड इसके साथ साथ थाईलैंड ट्रिप भी आपको मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, एक बिलिंग आपकी कितने सारे फायदे आपको दे सकती है, कितने सारे फायदे आपको दे सकती है। यस रुखसार, वेरी गुड। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड धरा मैम यहाँ पर कुछ बोलना चाहते हैं तो लास्ट में आपको अनम्यूट करती हूँ। यस मैम, फिर मैं मीटिंग को क्लोज करना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग मैम।
गुड मॉर्निंग मैम, वो कल शाम को जो सेशन था उसके मुझे पूछना है कि ब्राइटनिंग क्रीम के साथ हम फाउंडेशन कंपलसरी है लगाना? नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपको कहीं बाहर जाना है, कोई पार्टी वगैरह है, कोई आपके जैसे कोई फंक्शन वगैरह है, आप कहीं ट्रैवलिंग पे जा रहे हो, तो आप फाउंडेशन लगा सकते हो। अदरवाइज आप घर पे ही हो तो ब्राइटनिंग क्रीम के ऊपर आपको कुछ लगाने का जरूरत नहीं। अगर आप बाहर धूप में जा रहे हो या फिर बाहर जा रहे हो जहाँ पे डस्ट वगैरह आती है, तो आपके आपको उसके ऊपर SPF 40 लगाना है, या फिर आपको 007 का जो पर्ल कॉम्पैक्ट है वो आपको अप्लाई करना है। अगर आपको उस पे मेकअप करना है तो आप उस पे फाउंडेशन लगा सकते हो, फाउंडेशन कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर लगा के आप उस पे मेकअप कर सकते हो। अगर आपको कहीं जाना नहीं है तो फाउंडेशन लगाने का जरूरत नहीं है, राइट? यस मैम, ऐसे तो मैं बाहर ही जाती हूँ, जॉब करती हूँ, इसलिए तो ब्राइटनिंग क्रीम के मिक्स करके लगाना है कि ऊपर से लगाना है? नहीं, मैं बताती हूँ। सबसे पहले आप क्या करो कि अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो आप हाइड्रेशन क्रीम लगा लो और उसके ऊपर आप ब्राइटनिंग क्रीम लगा लो। और 007, अगर आप सिर्फ ब्राइटनिंग क्रीम अप्लाई करते हो तो 007 वाला जो पर्ल कॉम्पैक्ट है वो आप ले आइए। बस सिर्फ आप वो कॉम्पैक्ट लगा लीजिए, लिपस्टिक लगा लीजिए, बस मेरे पास पर्ल कॉम्पैक्ट, बस बस, फिर और कुछ जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि 007 पर्ल कॉम्पैक्ट के अंदर ऑलरेडी उसके अंदर SPF है। ओके, थैंक यू मैम। यस, थैंक यू डियर। एंड अब मनीषा जी, आपको मीटिंग एंड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे नेटवर्क इश्यू की वजह से मैंने क्या किया कि मोबाइल से ना लॉग आउट कर दिया था, तो आप होस्ट बन गए हो, राइट? ओके ओके मैडम, ओके। तो मनीषा जी, आप मीटिंग को एंड कर दीजिए, ठीक है? हाँ हाँ, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड विश यू वेल।